नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद भी अभी तक राजनीतिक जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जंग साफ तौर पर राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी की हो चुकी है। राहुल गांधी का भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना इस बार भी पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन वो अगली पारी के लिए इसे अपने लिए पक्का करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी हर वो काम कर रहे हैं जो पीएम मोदी नहीं कर पाते। राहुल गांधी जननायक बन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हाथरस का मुद्दा हो या गुजरात की सियासत, असम की बाढ़ हो या फिर मणिपुर का मुद्दा, राहुल भाजपा वालों से भी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी जहां असम और मणिपुर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को साझा किया, वहीं पीएम मोदी रूस के दौरे के लिए रवाना हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों पीएम मोदी के पास विदेश जाने का समय है और मणिपुर जाने का नहीं। देखिए ये रिपोर्ट, इन दोनों वीडियो को देखिए। एक ओर पीएम मोदी रूस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जननायक बन असम में बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में अब आज दोनों की राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए पहला दौरा किसी पड़ोसी देश का करने के बजाय भारत के 70 साल पुराने दोस्त के घर जा पहुंचे। पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में खास होगा। रूस हमेशा से सामरिक दृष्टि से भारत का करीबी रहा है और यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं। कारोबार के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि इस दौरे से तेल और समंदर के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी आज असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद मणिपुर दौरे पर निकले और मणिपुर के जिरीबाम जिले पहुंचे और वहां राहत कैंपों में पहुंचकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले साल 3 मई से जातीय संघर्ष की चपेट में है। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने मणिपुर का ना तो दौरा किया और ना ही ज्यादा बात की, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से लगातार जुड़ रहे और आज भी वहां जाकर लोगों की परेशानियों को सुना, जिसके बाद कांग्रेस राहुल गांधी की जननायक छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और ना ही उन्होंने इसकी इच्छा जताई, जिसके बाद से पीएम मोदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का रूस का दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी जरूरी है, लेकिन मणिपुर के मामले में उनकी दिलचस्पी ना दिखाना उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की प्रतिबद्धता जितनी समाज के प्रति बढ़ती जा रही है, उतना ही उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही है, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकती है। जहां राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ भी गए और सत्संग कार्यक्रम के बाद मची भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से भी मिले, वहीं पीएम मोदी को हाथरस जाना भी जरूरी नहीं लगा। इसके बाद पीएम मोदी का अब विदेश जाना लोगों को खटक रहा है और कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।